ओके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज ट्वेल्व पॉइंट फोर ठीक है तो इसमें ट्वेल्व पॉइंट फोर एन सी आर टी एग्जाम्पलर की जो है इसमें सेम्पल क्वेश्चन थ्री से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें भी अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अमिस्फेरिकल डोम तो एक बिल्डिंग है यह फिगर में आपके देख सकते हैं आपके नीचे सिलेंडर है और ऊपर उसके हेमिसल डोम है द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू टू बाई थ्री ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग ठीक है अब इसमें डायरेक्ट फिगर नहीं दी हुई है अब आपको कुछ रिलेशनशिप दी हुई है तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये देखते हैं अब वो बोल रहा है कि आपका जो बेस डायमीटर है डोम का है ना वो टू थर्ड ऑफ हाइट टोटल बिल्डिंग की है तो इसमें इसने टोटल हाइट आप देख सकते हैं कि स्मॉल एच लिया है ना तो स्मॉल एच इसने जो ली है तो बेस का डायमीटर कितना हो जाएगा डायमीटर ऑब्वियसली जो ऊपर रेडियस अगर मैं आर ले रहा हूँ हेमिसफेयर की तो बेस का भी डायमीटर मीटर टू आर हो जाएगा ये सो एच इज इक्वल टू अच्छा टू थर्ड ऑफ टोटल हाइट तो टू आर जो होगा वो इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ टोटल हाइट हो जाएगा है ना टू टू कैंसल आउट कैंसल आउट हो जाएगा आर जो एच बाई थ्री के साथ रिलेशनशिप सेटल हो जाएगी इसकी राइट right? आगे क्या बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ इट कंटेन्स दिस मच ऑफ एयर तो ये तो वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम ही रहेगा एयर सारे में होगी कैपेसिटी जो अंदर की होगी वो सारी एयर है ठीक है जी तो वॉल्यूम निकाल लेंगे अब वॉल्यूम क्या होगा हेमिसफेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू तो दिस डाल देंगे आर और एच में हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप आ गई है उसको हम यूज़ कर लेंगे राइट तो निकालना है क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है आपने तो हाइट ऑफ बिल्डिंग अकेली जो इसने, capital H है इसने कैपिटल एच ली हुई है यहाँ पे तो हमने कैपिटल एच निकालना है राइट right? तो अगर मेरे पास इस एच के क्योंकि इस एच ये अकेला वेरिएबल ये रह जाएगा ना चाहे एच वेरिएबल निकाल लेना चाहे आर क्योंकि ये दोनों से एक तो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में तो जैसे ही वो निकल के आएगा तो मेरे पास सब कुछ निकल आएगा एच के अंदर से अगर मैं आर माइनस कर दूंगा तो भी मेरा कैपिटल एच निकल आएगा राइट right? आओ देखते हैं इसने कैसे किया इस चीज को तो सी आर इज इक्वल टू एच बाय थ्री जैसे हमने निकाला था सेम चीज आ गई है टू आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री एच हो गया है अब कैपिटल एच जो है वो एच माइनस आर करना है है ना क्योंकि कैपिटल एच क्या है स्मॉल एच पूरे का पूरा माइनस उसमें से आर राइट right? तो इस, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है तो कितना हो गया टू बाय थ्री एच मीटर्स आ गया ठीक है कैपिटल एच आप बस इसमें वैल्यूज डालनी है इसमें आपके साइंस मिसिंग है मैं साइंस इसमें अपडेट कर देता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है बिल्डिंग के अंदर जो है वो कहता होगी कि डोम का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम ठीक है डोम हेमिसफेयर है हेमिसफेयर का वॉल्यूम ये रहा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच एच जो है सिर्फ सिलेंडर का हमने यूज़ किया ओके okay. अब क्या बन जाएगा ये टू बाई थ्री पाई ये ब्रैकेट्स हैं एच का क्यूब क्योंकि आर क्या था आर इज एच बाई थ्री हमने प्रूव कर दिया था ना कि आर जो है वो स्मॉल वो एच बाई थ्री है तो आर की जगह एच बाई थ्री डाल दिया इधर भी आर की जगह एच बाई थ्री डल गया पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एच क्या है कैपिटल एच इज अगेन हमने क्या किया था पूरे हाइट में से हमने आर माइनस कर देना ना और आर क्या है एच बाई थ्री है, है? एच माइनस एच बाई थ्री जो हमने किया था तो कैपिटल एच निकल आया था टू एच बाई थ्री तो ये इस कैपिटल एच की जगह हो गया ठीक है बस सॉल्व किया इज इक्वल टू है ये एट बाई एटी वन पाई एच क्यूब आ गया अब ये आपका क्या आ गया ये वॉल्यूम आ गया लेकिन वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया है कितना दिया इतना दिया हुआ है आप इसको इससे इक्वेट कर दो जैसे आपने इक्वेट कर दिया एच यहाँ पे डिवाइड के सीधा सीधा सिक्स मीटर्स आ गया राइट और हमसे उसने हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही मांगी थी नेक्स्ट इज एक्सरसाइज़ 12.4 उसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो डिफरेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड ठीक है उसने पहले ही आपको बोल दिया कि आपने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देना है ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स ठीक है ओपन है बॉक्स हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज़ रिक्वायर्ड मतलब वॉलीम निकालने को बोल रहा है वो ठीक है आयरन का निकालना है दैट मीन्स हमने उसको अगर नहीं भी लिखा होता क्यूबिक सेंटीमीटर्स तो हाउ मच आयरन इज़ नीडेड इट सेल्फ वॉलीम की बात ही करता है वो ठीक है अगर क्यूबिक सेंटीमीटर्स नहीं भी होता है इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच आयरन अगर मांगा है तो वो सॉलिड चीज़ में क्वान्टिटी मांग रहा है ना तो सॉलिड चीज़ में जब क्वान्टिटी मांग रहा है मतलब वॉल्यूम मांग रहा है Whose external dimensions are this? External dimensions दे रखी hai उसकी लेंथ breadth और हाइट Provided the thickness of the iron is this, 1.5 सेंटीमीटर क्या है Thickness है आयरन की Okay, if 1 cubic centimeter of iron weighs इतना find the weight of the box। तो दो चीजें मांगी है पहले तो उसने सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयरन लगेगा वो मांग लिया फिर उसने बोला कि अगर एक क्यूबिक सेंटीमीटर वन यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है वो इतने ग्राम्स हैं तो कितना होगा उस बॉक्स का वेट ठीक है तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन पॉइंट फाइव से तो वेट निकल आएगा मेरा बॉक्स का नाउ सी लेट अस ड्रॉ द बॉक्स अब क्योंकि बॉक्स है ओपन राइट right? तो पहले अगर मैं इसको चलो ट्राई करते हैं इसको मैं इसको थ्री टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, अब ऊपर से मैं इसको लाइन जान के बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये ओपन है ओके okay? देखते हैं बेस्ट कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसे अब इसमें ये चीज जो है ये अंदर से दिख रही है ओके okay? मैं इस चीज को एट बेस्ट जो दिखा सकता हूं आपको वो कोशिश करूंगा ये अंदर की डायमेंशन है हमें थ्री फिगर नहीं बना रहा हूँ सिर्फ इतने फ्रंट एंड बना रहा हूँ इसका ठीक नहीं तो हौच पॉच हो जाएगी पीछे वाला मैं ये बंद नहीं कर रहा हूँ तो आगे से ये आपको थ्री व्यू दिख रहा है तो अब इसमें जो एक्सटर्नल डायमेंशन है अगर हम उसको मार्क कर लें कितनी है वो थर्टी सिक्स तो लेंथ थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव ब्रेथ है और हाइट जो है वो सिक्सटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ओके okay. थिकनेस जो है दैट इज वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्या है थिकनेस थिकनेस का मतलब क्या है कि ये चीज जो है ये वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है समझ आ रही है आपको बात तो इसको आप अंदर से तो नहीं कर पाएंगे तो इसको आप ऐसे एरो लगा दो दिस थिकनेस इज वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब अगर वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तो इस साइड भी तो वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है सेम थिंग गोज हेयर ना और ऐसे ही नीचे से भी जाएगा सारी थिकनेसेस हैं ये राइट ऐसे इधर भी जाएगा सब जगह 1.5 की थिकनेस है हमारे पास राइट इस साइड भी जाएगा तो इसमें जो मेरी वो निकल के आएगी अंदर की क्या निकल के आएगी जो डायमेंशन है इंटीरियर की वो निकल के आएंगी जी मेरी अब ये 1.5 इस साइड भी है ठीक है 1.5 इस साइड भी है तो दो 1.5 माइनस होंगे तो अंदर की लेंथ कितनी हो जाएगी इंटीरियर डायमेंशन तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा 36 सिक्स माइनस टू इंटू वन दो बार 1.5 पॉइंट माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा यानी कि 33 हो जाएगी तो ये 33 बन जाएगी ऐसे ही अब आप ब्रेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा अब ब्रेड भी तो दो बार माइनस हो रही है देखो इधर भी माइनस हो रही है इधर भी माइनस हो रही है तो ब्रेड भी, भी, तो भी आपकी नहीं ब्रेड पे नहीं ब्रेड पे नहीं हम बात करेंगे अभी मैंने आपको ना एग्जाम्पल जो है हाँ ठीक है लेंथ की अब ब्रेड पे भी दो बार ही होगा कैसे होगा ब्रेड पे दो बार एक इस एंड पे हो रहा है और एक आपका जो ये यहाँ पे छुपा हुआ एंड है इस पे हो रहा है ब्रेड पर सेम चीज़ ठीक है इसको थोड़ा सा डॉटेड कर लेते हैं ताकि छुपी हुई चीज़ नजर आ जाए इस टाइप से ठीक है तो ब्रेड पे भी दो हो रहा है इधर भी हो रहा है और इस साइड भी हो रहा है सेम इस साइड भी हो रहा है तो यहाँ पे इफ यू वांट कि मैं ड्रा कर दूँ तो हम दोनों लाइंस ड्रा कर देते हैं ठीक है लेंथ में भी दोनों में ही हो रहा जैसे लेंथ में तो यहीं से निकल गया था ब्रेड में ऐसे निकल जाएगा आप फ्लोर में देख सकते हैं तो ब्रेड पर भी यही सेम फर्क पड़ा तो ये आपका हो गया 25 फाइव माइनस टू इंटू वन तो ये कितना आ गया 3 माइनस करेंगे तो ये 22 आ जाएगा तो ब्रेथ होगी 22 अब हाइट की बात करते हैं अब हाइट पे देखो ब्रेथ पे जो बेसिकली फर्क है ना वो ब्रेथ का फर्क यहाँ से और ये ऐसे फ्लोर पे पड़ रहा है ठीक है हाइट वाला फर्क जो है ऐसे खड़ा हुआ पड़ रहा है तो हाइट पे खड़ा हुआ फर्क पड़ेगा ठीक है ये जो फर्क है बेसिकली ये ब्रेथ पे दिख रहा है ये दिख रहा है ब्रेड पे हाइट पे ये दिखेगा नीचे से ऊपर का ठीक है तो अब हाइट पे अगर आप देखेंगे तो एक नीचे से पड़ रहा है लेकिन ऊपर से क्या है ऊपर से इट इज ओपन ऊपर तो वाला है ही नहीं जो उसका कवर है तो उस पर हाइट का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ठीक है उस पर हाइट पड़ेगा ही नहीं फर्क अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर इट इज ओपन तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाइट तो सिर्फ एक बार इसमें से सब्ट्रैक्शन होगी ठीक है बस इसका मेन यही है हाइट पे क्या होगा सिर्फ सब्ट्रैक्शन जो होगी वो एक बार होगी तो 16.5 जो हाइट है उसमें से माइनस आप एक बार करेंगे 1.5 ओपन बॉक्सेस का यही कंसेप्ट होता है अगर आपका वो अंदर बाहर थिकनेस दी हुई है कुछ आपको ठीक है इंटीरियर डायमेंशन और एक्सटीरियर डायमेंशन में ये फर्क आ जाता है तो ये कितना आ गया फिफ्टीन आगे लेंथ ब्रेड हाइट अंदर वाला फिफ्टीन आ गया ठीक है जी बस अब सिंपल है आप कंसेप्ट में कोई जाननी है कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कितना आयरन चाहिए आपको आयरन ऑब्वियसली आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देते हैं तो आयरन मुझे कितना चाहिए या वॉल्यूम ऑफ आयरन जो भी आप जैसे भी आप याद रखना चाहो तो वॉल्यूम आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम इनर बॉक्स आउटर की डायमेंशन क्या है थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी पॉइंट फाइव इनर की डायमेंशन क्या है ये वाली 33 थ्री इंटू ट्वेंटी है ना तो बस आ जाएगा ये आपका अब सिंपल एज दैट तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 14850 और ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 10890 तो ये कितना आ जाएगा जी आपका दिस वन बिकम्स 3960 सेंटीमीटर क्यूब इतना आयरन लगेगा आपका ठीक है ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सेकंड उसने क्या बोला है? वेट निकालना बॉक्स का अगर एक क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है सेवन पॉइंट फाइव तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने वेट निकालना है तो इसी को सेवन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वेट ठीक है कितना हो जाएगा थ्री नाइन सिक्स जीरो इंटू सेवन पॉइंट फाइव तो ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी नाइन सेवन हंड्रेड ग्राम्स पर थाउजेंड से ऊपर चला जाए तो ग्राम्स में आंसर नहीं छोड़ना है थाउजेंड से डिवाइड करो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन के जी आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइव मिलीमीटर यूनिट्स अलग अलग हैं इन डायामीटर ठीक है बैरल क्या होता है जिसके अंदर इंक जाती है पहले जो अपने इंक पेन होते थे ना उनके पीछे जो आजकल भी आता है जो आपके ये जिसमें इंक प्लास्टिक का पार्ट होता है जिसमें इंक लगी होती है जैसे आपके पायलट पैनस में आता है वी सेवन में आते हैं आजकल तो वो जो बैरल होते हैं मतलब सिलेंडर है बेसिकली आपका इंक पीछे जो सिलेंडर है उसके अंदर उसकी सिलेंडर की वो दी हुई है आपको दी है लेंथ दी है और आपको डायमीटर दिया हुआ है अब फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन इज़ यूज अप ऑन राइटिंग थर्टी थ्री हंड्रेड वर्ड्स ऑन एन एवरेज तो वो जो एक बैरल है थोड़ा सा इन बना रहे हैं हम लोग ताकि लिखने में हमें आसानी हो ये जो बैरल है जिसमें इंक है एक बैरल जो है थर्टी थ्री हंड्रेड वर्ड्स लिख देता है लेंथ इसकी आपको सेवन सेंटीमीटर दी हुई है और डायमीटर आपको इसका फाइव मिलीमीटर mm है तो दैट मीन्स फाइव बाई टू मिलीमीटर यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें चाहिए होगा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी रिटर्न इन अ बॉटल ऑफ ink कंटेनिंग वन फिफ्थ ऑफ अ लीटर ठीक है तो इतने वॉल्यूम में मैं कितने वर्ड्स लिख सकता हूँ इस एक सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा एक वॉल इतने वॉल्यूम में मैं इतने वर्ड्स लिख सकता हूँ तो इतने वॉल्यूम में कितने वर्ड्स लिख सकता हूँ सिंपल यूनिटरी मेथड, वही लगाएंगे हम है ना तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए देखो सबसे पहले वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे इट इज सिंपल यहाँ पे आपको लीटर है अब लीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं लीटर को मीटर क्यूब में कर सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में तो एक काम करते हैं मिलीमीटर को चेंज कर लेते हैं फिर सबसे पहले मिलीमीटर शुड बी कन्वर्टेड तो ये आपका हो जाएगा आ, इसको 2.5 पॉइंट mm फाइव हो जाएगा ना कट के तो इसको आप 10 से और डिवाइड कर हाँ 10 से और डिवाइड कर दो सेंटीमीटर के लिए तो 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट अब इसमें अगर आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बैरल ठीक है जी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा वो तो ये आपका क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच ठीक है जी तो इसमें आप पाई की ट्वेंटी टू बाई सेवन वैल्यू डाल लेना तो ये आपका आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव सेंटीमीटर क्यूब अब इससे यू कैन राइट कितने वर्ड जितने थर्टी थ्री हंड्रेड तो वन फिफ्थ ऑफ द लीटर से तो इसे भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं सो इसको आप करोगे लीटर में तो हमें पता है हमारे को जो मैं सबसे अच्छा याद रखता हूँ वो क्या है वन किलो लीटर इज इक्वल टू वन मीटर क्यूब ये मेरे को हमेशा सिंपल सा याद रहता है तो इससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अब क्या होगा इसमें थाउजेंड uh, लीटर्स या एक काम करो हाँ सिंपल कर लेते हैं थाउजेंड लीटर्स किलो लीटर में हो जाएंगे एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर हो जाते हैं तीन मीटर हैं तो तीन हंड्रेड कर लेंगे हम तो तीन हंड्रेड का मतलब सिक्स ज़ीरो होगी ऐसे कन्वर्ट हो जाता है आराम से अब सिक्स जीरो में से तीन काट दो तो वन लीटर इज इक्वल टू तो टेन रेज टू पर थ्री सेंटीमीटर क्यूब जिसको डायरेक्ट याद है उसको करने की जरूरत नहीं ठीक है जी जिसको नहीं याद वो ये कर सकता है अब वन फिफ्थ ऑफ ए लीटर इसका वन फिफ्थ कर लो तो जब आप थाउजेंड को फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब तो वन फिफ्थ ऑफ लीटर जो है वो टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपकी तो अब आप तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड ही रह गया हमें लगाना है बस ठीक है ना इतने सेंटीमीटर क्यूब से अब आपकी कितने वर्ड्स लिख सकते हैं आप थर्टी थ्री हंड्रेड तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से आप कितने वर्ड्स लिख पाएंगे इट वुड बी 3300 ओवर 1.375 पॉइंट थ्री इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा फोर लैख एटी थाउजेंड तो इतने वर्ड्स जो हैं हम लिख सकते हैं अपनी वन फिफ्थ ऑफ लीटर में एंड में इंग्लिश में एक लाइन लिख देना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स दिस मच पेंसिल्स डेली द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप ईच ऑफ लेंथ इतनी एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिस ये बहुत अच्छी चीज़ है सी आपको डिफिकल्ट करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं ठीक है आपको पेंसिल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की दी हुई है तो अगर मेरे पास पेंसिल सपोज इस टाइप की है नई पेंसिल है सिलेंड्रिकल so, शेप की दी हुई है तो इसमें जो है लेंथ जो है वो तो 25 सेंटीमीटर है लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिया रेडियस नहीं है वॉट इज दिस दर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस तो आपको क्या दिया हुआ है टू पाई आर इज इक्वल टू अगर आर इसकी रेडियस लेता हूं मैं तो टू पाई आर आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया है तो आर यहां से 1.5 पॉइंट फाइव ओवर टू पाई आएगा ठीक है आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे तो ये इसमें कैच होता है नेक्स्ट इज डिटर द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व सर्फेसिस ऑफ पेंसिल इनके कर्व सर्फेसिस जो है उस पर आपने कलरिंग करनी है मैन्युफेक्चर डे एट रुपीज जीरो पॉइंट जीरो फाइव पर डी एम स्क्र हेयर इज द कैच ठीक है यूनिट तो इसके लिए क्या रिकॉल करना है हमने बड़ा ही सिंपल सा है डी एम क्या होता है डेसी मीटर किंग हैरी डाइड मदर डिडेंट क्राई मच पहला डी डेका दूसरा डी डेसी ये पहले आता है ऐसे याद रख लो आई बाद में आता है सिंपल याद रख लो अब ये जो डी उसको क्या लिखते हैं डेका मीटर को होता है तो डी ए एम होता ठीक है उसके यूनिट्स ये होते हैं डेसी मीटर के ये डी एम होते हैं ओके अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है इतने डेसी मीटर स्क्वेयर का दे रखा है रेट ठीक है तो ऑब्वियसली एरिया का रेट दिया हुआ है सी एस से निकाल के या तो में कर लेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में वी विल सी आफ्टर दैट तो पहले तो इतनी पेंसिल्स बन रही है तो सी एस निकाल लो सी एस से इसका निकाल लेंगे अब आप इसका सी एस क्या आएगा सी एस एक पेंसिल का आपका वन पेंसिल का ये आएगा टू पाई आर एच तो टू पाई आर आर क्या है ये वन पॉइंट फाइव ओवर टू पाई एच कितना है ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है जी तो टू टू पाई टू पाई पूरा ही चला गया बेसिकली तो ये आपका अभी सॉल्व नहीं करते तो इतनी पेंसिल्स डेली बन रही हैं तो इतनी पेंसिल्स का कितना हो जाएगा आपका सी एस से इतनी पेंसिल्स का ऑल पेंसिल्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे तो आप इसी फिगर को ट्वेल्व था ट्वेल्व थाउजेंड नहीं है चार जीरोज़ हैं वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 15 बाई टेन वन को 15 बाई टेन इंटू ट्वेंटी से कर देंगे ठीक है जी अब अभी भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे क्या करना है मुझे तो ये निकालना है पॉइंट जो है इसकी क्या है कॉस्ट निकालनी है एरिया को कलर करने का आपका रेट ये है इतनी कॉस्ट है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी अभी तो डीएम स्क्वायर में ये हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में अब सेंटीमीटर से डीएम कितना जाएगा सेंटीमीटर से डेसीमीटर जो है वो बड़ा है तो एक टेन से डिवाइड करेंगे हम जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं ना ये छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो इसको एक टेन से डिवाइड करेंगे इसमें कितने सेंटीमीटर हैं इसमें तो दो हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर दो टेन से मल्टीप्लाई हंड्रेड डेसीमीटर स्क्वायर ठीक है जी तो मैं इसको क्या करता हूँ यहीं पे कर रहा हूँ स्पेस सेव करने के लिए मैं इसी को हंड्रेड से कर रहा हूँ और ये कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर स्क्वायर में राइट right? अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप ये तो सी एस से सब पेंसिल्स का आपको तो कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी इस कलर से नहीं दूसरे से करते हैं कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी एक एरिया की इतनी है तो इतने एरिया की टोटल की कितनी होगी इससे मल्टीप्लाई ठीक है तो ये इसी को ऊपर वाले को आप ये तीन जीरो अगर उड़ाना चाहें तो उड़ा दीजिए वन ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये आपका आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके टू टू फाइव ज़ीरो ठीक है इतने रुपीज़ जो है कॉस्ट निकालिए ना तो इतने रुपीज आपके जो है लग जाएंगे तो ये आंसर है नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन अ सॉलिड आयरन क्यूबॉयल ब्लॉक तो एक क्यूब क्यूबॉयड है मेरे पास सॉलिड है उसमें आयरन ही आयरन है उसकी ये डायमेंशन दी हुई हैं इज रिकास्ट इन टू होलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल रेडियस इंटरनल रेडियस दिया हुआ है होलो सिलेंड्रिकल पाइप का थर्टी सेंटीमीटर एंड थिकनेस फाइव सेंटीमीटर ठीक है ऊपर मीटर्स में यूनिट ये सेंटीमीटर्स में फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप आपको लेंथ ऑफ द पाइप निकालनी है ओके okay? तो ये हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है तो लेट मी ड्रॉ द हॉलो सिलेंडर फर्स्ट तो ये मेरे आउटर का बना रहा हूँ मैं इसके बाद मैं इनर का ड्रॉ करूँगा इसके अंदर तो हॉलो सिलेंडर देख के बच्चों को वैसे ही डर लग जाता है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आराम से तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका डर ना निकल जाए ठीक है अच्छा रीकास्ट किसे किया है क्यूबॉयड किया उसको नहीं मैं बना रहा एंड बस वॉल्यूम ही बराबर डालना है कि इसका वॉल्यूम क्यूबॉयड का वॉल्यूम और ये क्यूबॉय छोटा सा बना देता हूँ इधर मैं कि इस क्यूबॉयड का वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर होगा रीकास्ट किया ना आपने इस हॉलो सिलेंडर के बराबर ओके okay. अब इंटरनल रे, रेडियस जो है वो थर्टी सेंटीमीटर की दी हुई है तो इंटरनल रेडियस जो है दैट इज़ येलो वाली इज थर्टी सेंटीमीटर्स थिकनेस फाइव दिया ठीक है थिकनेस फाइव का क्या मतलब है कि दिस थिंग ये आपकी फाइव सेंटीमीटर की दिया था आउटर रेडियस कितना हो जाएगा आउटर रेडियस इस आपका थर्टी फाइव हो जाएगा तो ये जो आउटर रेडियस है इट विल बी थर्टी फाइव सेंटीमीटर ठीक है इनर आउटर रेडियस आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप इस पाइप की क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है आपने तो इस पाइप की लेंथ निकालनी है लेंथ तो सीधी ही रहेगी एच अगर एच ले, ले लेते हैं तो एच ही रहेगी ठीक है तो वॉल्यूम दोनों का बराबर आएगा कंसेप्ट हमारा वही सिंपल है सो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड इज इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बस अब हमारा सब कुछ डन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ लेंथ इन टू ब्रेथ इन एच ठीक है जी ये जो भी आएगा आपका 4.4, अच्छा ये मीटर में एक काम करो सबको सेंटीमीटर में कर लो तो 440 फोर्टी इंटू टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू हॉलो सिलेंडर में क्या होता है वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर आउटर क्या होगा पाई आर आउटर स्क्वायर स्क्वाच माइनस पाई आर इनर रेडियस का स्क्वायर स्क्वाच पाई एच कॉमन ले लेते हैं आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर अभी थर्टी फाइव का स्क्वायर माइनस थर्टी का स्क्वायर करने से अच्छा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी राइट तो बस आ गया बन गया काम हमारा वैल्यूज पुट अप करते हैं बस सिंपल सिंपल इसमें 440 फोर्टी इंटू टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू पाई इंटू एच एच निकालना है मुझे अच्छा देखो आप सी इसको पूरे को नीचे डिवाइड करने ले जाओ एच सीधा आ गया तो थर्टी प्लस इनर रेडियस थर्टी है और थर्टी फाइव माइनस थर्टी राइट तो ये आपका फोर फोर्टी इंटू टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड ये सेवन ऊपर मल्टीप्लाई करने ट्वेंटी टू नीचे थर्टी फाइव प्लस थर्टी इज सिक्सटी फाइव थर्टी फाइव माइनस थर्टी इज फाइव बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका एच आ जाएगा तो ये आ जाएगा वन वन टू डबल जीरो सेंटीमीटर और वन वन टू मीटर्स लिखेंगे ना इसे हम क्योंकि सेंटीमीटर्स को इतना बड़ा नहीं लिखते हैं जीरो जीरो में सो दिस इज माय आंसर नेक्स्ट इज टें फाइव हंड्रेड परसेंस आर टेकिंग अ डिप इन टू अबल पॉन्ड तो एक क्यूबॉयडल पॉन्ड है जिसमें फाइव हंड्रेड जो है वो नहा रहे हैं विच इज 80 मीटर लॉन्ग 50 मीटर ब्रॉड ठीक है तो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है हाइट नहीं दी है वॉट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल तो राइज इन वाटर लेवल निकालना है मुझे इन द पॉन्ड इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज दिस तो अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ पर्सन इज पॉइंट जीरो फोर मीटर क्यूब क्या चीज़ है ये कि अगर एक आदमी नीचे डुबकी लगाता तो पानी कितना ऊपर आएगा ठीक है अगर आदमी उसमें डिप कर रहा तो पानी कितना आएगा तो उससे हमें निकालना है कि अगर एक आदमी के डिप लेने से इतना वॉल्यूम है क्योंकि मीटर क्यूब है ना इतना वॉल्यूम जो है वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही क्यूबॉइड ऊपर चढ़ता जाएगा है ना ये हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है ये यह अगर मेरा क्यूबॉइड है ठीक है इसमें ऑलरेडी मेरा इतना पानी है अब जब पाँच सौ आदमी ने डिप मारी पानी का लेवल यहां पहुंच गया तो ये वाली हाइट निकालनी है ना हमने राइज इन वाटर लेवल तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी तो एक क्यूबॉयड है छोटा सा ठीक है लेंथ क्या है लेंथ आपकी जो है एटी मीटर की है और फिफ्टी मीटर की आपका वो है तो ये जो ब्लू वाली का भी तो एट्टी मीटर और फिफ्टी मीटर ही रहेगा ये भी तो एट्टी और फिफ्टी रहेगा लेंथ ब्रेड हाइट आई गई अब इस क्यूबॉयड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ रेस्ड क्यूबॉइड ठीक है आई विल यूज द येलो कलर वॉल्यूम ऑफ रेस्ड क्यूबॉइड ताकि आपके दिमाग में रहे ये बात दिस इज द रेस्ड क्यूबॉयड ठीक है जी तो इस वॉल्यूम ऑफ रेस्ड क्यूबॉइड है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जितना भी पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर ही होगा बस यही कंसेप्ट हमने सीखना था रेस्ट इज इजी। तो अब आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेस्ट क्यों कितना है एटी इंटू फिफ्टी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है 500 लोग जो नहा रहे हैं एक जो आदमी है वो पॉइंट जीरो फोर मीटर क्यूब कर रहा है ठीक है जी तो एच कितना आ गया आपका फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट ज़ीरो फोर ओवर एट्टी इंटू फिफ्टी दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स या फिर फाइव मिलीमीटर्स टेन से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो आपका आंसर बेस्ट इज इन मिलीमीटर्स बाकी सेंटीमीटर्स इज द फेवरेट यूनिट फिफ्टींथ क्वेश्चन अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बायिस स्फेरिकल वॉल्टेड डोम ठीक है तो ये कुछ कुछ हमने जैसे वो करी थी एग्जाम्पल करी थी वैसे ही है कि नीचे जो है बिल्डिंग के सिलेंडर है और ऊपर हैमी डोम है इतनी एयर उसके अंदर है तो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका मतलब एयर का यानी इसी का वॉल्यूम हो गया इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट इंटरनल डायमीटर जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है प्लीज डू इट योर सेल्फ सेम एज एग्जाम्पल होमवर्क है ये आपका देखो इसमें क्या इफ द इंटरनल डायामीटर ऑफ डोम इंटरनल डायमीटर क्या फर्क है कोई फर्क नहीं है ये डोम डोम ऊपर वाली है ना इसका इंटरनल डायमीटर अब बाहर के तम तो कुछ ले ही नहीं रहे तो अंदर का ही है, जो भी है डायमीटर अगर रेडियस आर मानोगे तो इंटरनल ही है ओके इज इक्वल टू द टोटल हाइट अब द फ्लोर अब फ्लोर का है फ्लोर इज एयर ओनली दिस इज द फ्लोर अब द फ्लोर टोटल हाइट कितनी होगी आप इसको मानेंगे ना ये चीज़ आगी ना सेंटर से बिल्कुल तो यही चीज़ बाहर होगी तो टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर ठीक है तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया इसको कैपिटल ले एच ले लेना एग्जाम्पल की तरह और एच जो आपका वो निकल आएगा आ, क्या कहते हैं इसमें टू आर इज इक्वल टू जो हम एच के बराबर डाल देंगे ठीक है क्योंकि डायमीटर जो है वो किसके बराबर है उसमें वन थर्ड दिया था इसमें नहीं दिया तो वन थर्ड पोर्शन इसमें हट गया ठीक है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी स्मॉल एच ई निकालना है और इसमें आपको इक्वल दिया हुआ है टोटल हाइट के बराबर तो टू आर इज़ इक्वल टू एच यूज़ कर लेंगे आप इसमें बस ये कैच है बाकी ये एग्जाम्पल के जैसा ही है सेम तो देखो जो ये टोटल हाइट अगर टू आर के बराबर है अब ये डोम की अगर हाइट देखोगे ये भी तो आ रहा है तो ये भी कितनी हो जाएगी आर नहीं हो जाएगी क्या अगर ये टोटल टू आर है तो जो कैपिटल एच आपका किसके बराबर आ गया आर के बराबर आ गया ठीक है तो इस पोर्शन को आप भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो तो अब जो आप क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वो इज इक्वल टू ये दिया हुआ जो आपको टोटल वॉल्यूम ठीक है इसके बराबर डाल लोगे आप तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वाच तो अब क्या हो गया पाई आर स्क्वा आर ही हो गया प्लस ये कितना हो गया 2 टू बाई थ्री हेमिसफेयर का पाई आर क्यूब ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर ये निकल आएगा ठीक है आंसर मैं इसमें लिख देता हूँ आपका कितना आने वाला है ये आपके हाइट ऑफ आप बिल्डिंग जो है फोर मीटर आने वाली है क्योंकि आर निकल जाएगा यहाँ से तो एच को टू आर डाल देना आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज नाइनटीन क्वेश्चन द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन कितनी दी हुई है यहाँ आपकी ट्वेंटी टू मीटर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्योंकि डायमेंशन दी हुई है इंटू ट्वेंटी मीटर ड्रेन इंटू सिलिंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ बेस टू मीटर एंड हाइट दिस तो मेरे पास क्या है एक ये रूफ दी हुई है ट्वेंटी टू मीटर बाय ट्वेंटी मीटर की इससे पानी एक रूफ से सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है ठीक है जिसका बेस का डायमीटर 2 टू मीटर है तो रेडियस वन हो जाएगा और हाइट थ्री पॉइंट फाइव मीटर है इफ द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द मतलब पूरा ही भर गया सिलेंड्रिकल वेसल ये हमारा अगर पूरा भर गया तो कितनी रेनफॉल हुई है मैंने सिर्फ इसके लिए रखा है फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स तो ये हाइट होती है बस इस चीज़ के लिए और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में ये हाइट होती है रेनफॉल यहाँ गिरेगी तो ये हाइट जो होगी इसकी क्यूबॉयड बन जाएगा ये ठीक है तो इस अगर हाइट है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब आप ये आराम से कर सकते हो ठीक है तो यहाँ से आपका ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वाच वन का स्क्वायर इंटू एच ठीक है तो यहाँ से आप h निकाल लेंगे पाए इंटू थ्री पॉइंट फाइव और ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाई सेवन डालो देखो कट पिट रहा है आराम से तो एच आपका टू पॉइंट फाइव यहाँ पे कितना आएगा ये मीटर्स में है तो मीटर्स में कुछ आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर सेंटीमीटर्स में है तो आंसर इज दिस तो ये ध्यान रख लेना मीटर्स और सेंटीमीटर्स का कन्वर्ट करने पड़ेंगे डन